साथियों, मैं आप लोगों से सवाल जवाब करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि अगर नवीन जिंदल जी को जिताओगे तो क्या होगा? ये आपके भी मन में सोच है कि अच्छे कामों के लिए और मोदी जी बहुत बढ़िया काम करेंगे। अगर दूसरा जीतेगा तो पाकिस्तान में पटाखे बजेंगे, वो पाकिस्तान के साथ टच आदमी है, उस पार्टी के आदमी है, ये लोगों को पता है। मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं भाई? होगी वहां खुशी की नहीं? अब आप अपने हिंदुस्तान की खुशी अपना पसंद करते हो या पाकिस्तान की खुशी पसंद करते हो? मैं तो दो टुकड़े की बात कहना चाह रहा था यार, बताओ इस बारे में। जिताओगे नवीन जिंदल को? मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, आपस में छोटी मोटी बातें, एक दूसरा वो कहां लग रहा, वो कहां लग रहा, ये सारी बातें छोड़ के यार, एक ऐसा, मैं तो इनको राष्ट्रनायक कहूंगा, एक ऐसा ऐसी शख्सियत यार जो हर एक के बारे में भलाई सोचते हैं, कभी इन्होंने दूसरी पार्टियों के बारे में नहीं बोला। आपने देखा होगा दूसरी पार्टी वाले पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, किसके बारे में क्या बोलते हैं। इन्होंने पॉजिटिविटी ये कहते हैं, अपनी अपनी जगह सब सही है, जो जनता है वो भगवान का रूप है, वो असली को अपने आप पहचान लेगी। और आपको भगवान का दर्जा जो दे रहे हैं माननीय नवीन जिंदल जी दे रहे हैं, आपने पहचानना है और यहां से एक तरफा जिता के भेजना है। मैं आप लोगों से यही बेनती करता हूं, मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आपको सलाम करता हूं कि आप इतनी गर्मी में और शॉर्ट टाइम में एकदम मैसेज आया प्रोग्राम का और आप इतने इकट्ठे हुए, धन्यवाद। अब आपके सामने जोरदार तालियां। अब मैं निवेदन करता हूं हमारे लोकसभा के प्रत्याशी